हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोके कंपटीशन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 6वें मैच की, जो कि खेला जाएगा दो रेड टीम्स जो कि आमने सामने होंगे, जहाँ पे एक तरफ शिखर धवन की पंजाब किंग्स से, तो वही दूसरी साइड विराट कोहली की आरसीबी देखने को मिलेगी। यह मैच आपको 25 मार्च को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 65% रहेगा और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 53% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 167 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 147 है। अब अगर बात करते हैं, चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 31 मैच खेले गए, जिसमें से पंजाब 17 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर आरसीबी 14 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने अपने होम ग्राउंड पे जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है। पहले गेम में जहां पे टीम ने दिल्ली को 4 विकेट से हराया, टीम के लिए ओपनिंग में बात करेंगे, जहां पे इंग्लैंड के जॉनी ब्रेयस्टो और शिखर धवन ने स्टार्ट किया, दोनों फ्लॉप चल रहे हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे, जहां पे प्रम सिमरन सिंह जो कि 26 रन बनाए थे, वहीं पे सैम करन जो कि नंबर 4 पे उतरे थे, उन्होंने टीम के लिए मैच निकाल दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। यहां पे जितेश शर्मा को पहले गेम में फ्लॉप हो गए, सिकंदर राजा रिलीज हो से जो प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला था। वहीं पर अगर लोअर ऑर्डर में देखेंगे तो इंग्लैंड के लाइम लिविंगस्टोन जो टीम के लिए मैच फिनिश किया था, वहीं अगर बॉलिंग की बात करें जो कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस की, जहां पे कसिगो रवारा जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इंडियन पेसर हर्षदीप सिंह एंड हर्षर पटेल जो कि 2-2 विकेट लिए थे, वहीं पर नाथन इलियस और क्रिक वॉक जो प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला था, जहाँ पे स्पिन बॉलिंग में राहुल चौर जो कि 1 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे शिखर धवन है, जॉनी ब्रेस्टो है, प्रम सिमरन सिंह है, जितेश शर्मा है, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम करन है, हर्षल पटेल है, राहुल चौर, हरप्रीत बरार है, हर्षदीप सिंह है, कसिगो रवारा है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि सैम करन है, लाइम लिविंगस्टोन है और हर्षदीप सिंह। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी बेंगलोर का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे अपने होम ग्राउंड में आरसीबी का यह पहला मुकाबला होगा। पिछले मैच में टीम ने चेन्नई से चिपाक के मैदान में हार गई थी, टीम का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था। वहीं टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए थे, यहाँ पे विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस जो टीम के लिए ओपनिंग में अच्छा स्टार्ट किए थे, डुप्लेसिस ने 35 रन बनाए थे। वहीं बात करेंगे जहाँ पे नंबर 3 पर रजत पाटीदार उतरे थे जो कि फ्लॉप हो गए थे। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल एंड कैमरॉन ग्रीन जो कि जल्दी आउट हो गए थे। फिनिशिंग के लिए जहाँ पे दिनेश कार्तिक, अनुज रावत थे, दोनों ने लास्ट गेम में टीम को अच्छा बैलेंस किया, जहाँ पे अनुज ने 48 रन बनाए, टीम के लीडिंग रन स्कोरर थे। वहीं बॉलिंग में जहाँ पे इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज टीम को फ्रंट लाइन बॉलर है, लास्ट गेम में वो विकेट लेस थे, जहाँ पर आकाशदीप को मौका नहीं मिला था, जहाँ पर ऋषि टोपली, लॉकी फर्गुसन को पहले मैच में जगह नहीं मिली थी। यहाँ पे स्पिन बॉलिंग में करण शर्मा, मयंक डगर, अलजारी जोसेफ ने 38 रन दिए थे, कैमरॉन गिल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गुसन, मयंक डगर। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि अनुज रावत है, फैफ डुप्लेसिस है, कैमरॉन ग्रीन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। दोनों टीम आईपीएल का स्टार्ट से खेल रही है, बहुत पुरानी है, रिकॉर्ड को देखो तो आरसीबी थोड़ा सा पीछे चल रही है। टीम के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हुए आज का हमारे कोनी आज का मैच बना यहाँ पे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।